गणपत की क्या कहानी होगी और फिल्म गणपत में टाइगर श्रॉफ किस भूमिका को निभाते नजर आएंगे और क्या ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम फिल्म गणपत और फिल्म के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड में बतौर एक्शन अभिनेता अपनी पहचान बनाने वाले टाइगर आने वाले दिनों में कई फिल्मों में अपने धमाकेदार एक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। इस लिस्ट में टाइगर की फिल्म गणपत भी शामिल है। इस फिल्म का ऐलान कुछ समय पहले ही मेकर्स ने किया था। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का निर्देशन विकास बहल करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का निर्देशन किया था। पिछले साल रिलीज फिल्म सुपर 30 की शानदार सफलता के बाद निर्देशक विकास ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार वो टाइगर श्रॉफ को लेकर एक बॉक्सर पर आधारित फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म में टाइगर मुंबई के एक बॉक्सर गणपत की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में अभिनेता का अलग अंदाज दिखाई देने वाला है। यही कारण है कि टाइगर ने अपनी फिल्म की तैयारी काफी समय पहले शुरू कर दी थी। वह अपने मुक्काबाजी कौशल पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म में स्पष्ट रूप से कई रिंग सीक्वेंस होंगे। इस फिल्म की कहानी टाइगर के मुंबई की गलियों से लेकर इंटरनेशनल लेवल के एक बॉक्सर बनने के सफर को दिखाएगी। फिल्म में टाइगर भगवान गणेश के भक्त बने दिखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू हो सकती है। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की आई ताजा खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि गणपत की कहानी लीक हो गई है। हो सकता है ये खबर झूठी हो, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है। टाइगर की इस फिल्म में अभिनेता अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी में टाइगर के पिता एक फाइट मास्टर होंगे। आपको बता दें, टाइगर आज के दौर के जाने माने एक्शन हीरो माने जाते हैं। 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले टाइगर ने बागी सीरीज, मुन्ना माइकल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने एक्शन अवतार दिखाए हैं। गणपत में टाइगर के एक्शन और डांस स्किल्स देखने को फिर से मिलेंगे, जो टाइगर के फैंस के लिए काफी खास है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन से पहले होली 2020 में टाइगर की बागी 3 रिलीज हुई थी, पर थिएटर बंद होने के कारण फिल्म औसत बिजनेस ही नहीं कर पाई। आने वाले दिनों में टाइगर की हीरोपंती 2 और रैम्बो रिलीज होने वाली है। हीरोपंती 2 जहां 2021 के 16 जुलाई को रिलीज होने वाली है, वहीं रैम्बो की रिलीज को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टाइगर 80 और 90 के दशक के जाने माने अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। जैकी ने हीरो फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था, तो टाइगर ने हीरोपंती से। वही बात करें विकास बहल की, तो उन्होंने लुटेरा, क्वीन, शानदार और सुपर 30 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। विकास ने अनुराग कश्यप के साथ मिलकर फैंटम फिल्म्स का निर्माण किया था, पर बाद में किन्हीं कारणों से दोनों में मतभेद हुए और ये कंपनी बंद करनी पड़ी। तो दोस्तों, क्या आप भी है टाइगर एक्शन सीन के फैन और क्या टाइगर की आने वाली फिल्म गणपत का है आपको भी इंतजार? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें। स्क्रिप्ट रिटन बाय काजल सिंह।